किंग खान यानी शाहरुख खान ने आज ड्रग्स केस में फंसे अपने बेटे आर्यन खान से मुंबई के आथर जेल रोड में मुलाकात की। नमस्कार, मैं पूजा साहू और आप देख रहे हैं ई गॉसिप्स। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान की आर्यन से ये पहली मुलाकात है। इससे पहले शाहरुख ने आर्यन से वीडियो कॉल पर बात की थी। आज सुबह जब शाहरुख जेल की सलाखों के पीछे बंद आर्यन खान से मिले तो वो बेहद भावुक हो गए। शाहरुख खान आज सुबह करीब 9:15 पर जेल में पहुंचे थे। इस दौरान जेल के बाहर मीडिया, पुलिस कर्मियों और विजिटर्स की भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन शाहरुख खान बिना कुछ कहे अपने सुरक्षा घेरे के साथ सीधा आथर रोड जेल में दाखिल हो गए। इस मुलाकात के दौरान शाहरुख खान ने अपने बेटे को हिम्मत देने की कोशिश की। जानकारी मिली है कि जेल में बंद अपने बेटे से मिलने पहुंचे शाहरुख खान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जानिए बाप बेटे ने आपस में क्या बात की और शाहरुख कितनी देर जेल में रहे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने आर्यन से करीब 15 मिनट तक बात की और इस दौरान दोनों ही बहुत भावुक नजर आए। भावुक शाहरुख खान ने आर्यन से पूछा कि क्या उसने खाना खाया है। इस दौरान आर्यन ने कहा नहीं। इसके बाद शाहरुख खान ने जेल अधिकारी से पूछा कि क्या हम आर्यन को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। इस पर जेल अधिकारी ने कहा कि अदालत के आदेश के बिना कुछ भी नहीं दे सकते। शाहरुख 9:35 पर जेल से रवाना हुए। शाहरुख के आने की खबरों के बीच जेल परिसर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेल में अभी तक कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह से ही परिवार के सदस्यों को कैदियों से मिलने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद शाहरुख वहां पहुंचे थे। शाहरुख खान के आथर रोड जेल से बाहर आने पर कई तस्वीरें सामने आई है। इससे पहले कोरोना की वजह से कैदियों को परिवार वालों और रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत नहीं थी। बुधवार को ये नियम हटाया गया, जिसके बाद शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंचे। आर्यन खान की बुधवार को जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेजा की बेल याचिका भी खारिज हुई है। अब मंगलवार यानी कि 26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।